अम्मी ने वैसे गलत तो नहीं कहा। अब तो मैं भी यही चाहती हूँ कि बस अब आप रीबा को छोड़ दें। आखिर कब तक मैं आपको उससे शेयर करती रहूंगी? अरे भाई, कहा तो है कि छोड़ दूंगा, वैसे भी उस औरत में अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। अब बस जल्दी से तुम मुझे औलाद दे दो ताकि मेरे पास एक सॉलिड रीजन हो उसे छोड़ने की। क्या मतलब है आपका? अगर मेरी औलाद ना हुई तो आप उसको नहीं छोड़ेंगे? छोड़ तो फिर भी दूंगा, क्योंकि सकलैन को वजाहतें देने का कोई शौक नहीं है। सकलैन, अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, और फिर ये सब कुछ मेरे इख्तियार में तो नहीं है ना कि आप फरमाइश करेंगे और वो। आर्या, मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। सालों से इस ख्वाहिश को अपने दिल में दबा के बैठा हुआ हूं कि मेरी औलाद हो। सरीबा को तो मैंने मजबूरी के तहत अपने पास रखा। सच पूछो तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है बस। तुमसे शादी की वजह मेरी तुमसे बेपनाह मोहब्बत है, मगर मैं ये भी चाहता हूं कि हमारी फैमिली हो। तुम्हारी औलाद पैदा करके सारी उम्र के लिए फंसना थोड़ी है मुझे। मैं तो उस वक्त के इंतजार में हूँ जब तुमसे 2-4 करोड़ मिले और मैं अपनी जान छुड़ाऊं। वैसे भी कौन से तुम्हारे अपने पैसे हैं? रीबा और उसकी माँ का ही माल है जो तुम ठग रहे हो। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.